देश की, देश का विकास तभी होता है तब तो वहाँ के लोग की आर्थिक उन्नति होती है, वो संपन्न होते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी बात को जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है, उनको अपनी इस समिति के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाएँ। वर्मा जी और मेरे साथ आए मेरे साथी जसपाल सिंह, भोला सिंह, और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि लेडीज़ भी आजकल हमारे से कहीं पीछे नहीं। मैडम जी और प्रधान जी, साथियों और यहाँ के टीचर साहबान, दोस्तों, मैं सबको बधाई दे। इसका उद्देश्य यह है जी कि किसान मजदूर को जागृत करना, उसकी हमारी सरकार गवर्नमेंट जो कोई भी स्कीम देती है उसको पता नहीं लगता है उसके बारे में। उसको जो भी पैसा मिलता है या कोई भी उसको सहूलत मिलती है, ये दबी रह जाती है। ये हमारे वर्मा जी ने, संजय चोपड़ा जी ने ये जो कदम उठाया है, और इससे बड़ी खुशी हुई है। इस इलाके को इसका दर्जा ऊंचा करने के लिए और इसकी जो डिमांड है वो बताने के लिए इसलिए बनाया गया। मजदूर और किसान उत्थान परिषद का गठन इसलिए किया गया है, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें अपने किसान और मजदूर भाई बहनों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर संचार सुविधाएं नहीं हैं या और सुविधाएं नहीं हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि सरकार ने क्या योजनाएं चला रखी हैं। तो हमारा उद्देश्य है उनके बीच में जाएं, उन लोगों को सरकार के जो योजनाएं हैं, जो उनके हितों में जो योजनाएं चला रखी हैं, उनसे अवगत कराएं। यही हमारे परिषद। ठीक है, जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार से मैं सोचता हूँ सामाजिक संगठनों की भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। जहाँ राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वहाँ किसानों के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अति महत्वाकांक्षी योजना ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो। क्योंकि सरकार का सीधा सीधा उद्देश्य है कि 2022 तक तमाम किसानों की आय को दुगना करना। तो मैं समझता हूँ जहाँ सरकारी संस्थाएँ अपना काम कर रही है, वहाँ निजी संगठनों को भी आगे आना होगा। तो आज हमने तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को और किसानों को जागरूक करने का काम किया है, और जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में हमने जो है पारदर्शिता के साथ उसे बताने का काम किया है। और निश्चित रूप से आगे भी हमारा यही उद्देश्य होगा कि जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ, जो किसानों के कल्याण की योजनाएँ, वो किस प्रकार से शुद्ध रूप से क्रियान्वयन हो और किसानों को किस प्रकार से उसका लाभ मिल सके, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, आज शुरुआत की गई है।